सो दोस्तों 2022 में जो भी लोग YouTube पर काम करना चाहते हैं या अपना एक नया YouTube चैनल क्रिएट करना चाहते हैं, उनके दिमाग में ये सवाल तो जरूर से ही होगा कि आखिर 2022 में यहाँ पर अपने YouTube चैनल को मोनेटाइज करने के लिए YouTube की तरफ से क्या ऐसी एलिजिबिलिटीज़ हैं जिनको हमको कंप्लीट करना होगा, क्या YouTube की ऐसी शर्तें हैं, या 2022 में हमारे YouTube चैनल पर क्या क्या ऐसी चीज़ें देखी जाएंगी जिनके पूरे होने के बाद ही हम जो अपना YouTube चैनल है वो मोनेटाइजेशन के लिए अंडर रिव्यू में भेज सकते हैं, जिसके बाद हमारा जो YouTube चैनल है वो मोनेटाइज हो जाएगा। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को 6 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ, अगर 2022 में आपको अपने YouTube चैनल को मोनेटाइज करवाना है तो ये 6 चीज़ें ही हैं जिनको आपको ध्यान देना होगा। और ये 6 के 6 क्राइटेरिया कहें या फिर आप इन्हें एक तरह से थ्रेशोल्ड कह लें, इनको कंप्लीट करने के बाद ही यहाँ पर आपके जो YouTube चैनल का मोनेटाइजेशन है वो यहाँ पर इनेबल होगा। यदि इन 6 में से किसी भी एक चीज़ को अगर आप स्किप कर देते हैं या यहाँ पर इन 6 में से कोई भी एक चीज़ इनकम्प्लीट हो जाती है आपके YouTube चैनल पर, तो इसकी 100% श्योरिटी है कि आपके YouTube चैनल का जो मोनेटाइजेशन है यहाँ पर कभी भी इनेबल नहीं होगा। सो मोनेटाइजेशन एलिजिबिलिटी के लिए आप सभी को इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना चाहिए। 2022 में जो भी लोग अपने नए YouTube चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं या उस पर काम करना चाहते हैं, उन सभी लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा काम की होने वाली है। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। सो दोस्तों मेरा नाम है रिको, आप देख रहे हैं टेक रिको। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो सबसे पहली एलिजिबिलिटी है वो है यहाँ पर YouTube चैनल मोनेटाइजेशन पॉलिसीज। आपको 2022 में YouTube चैनल की जो भी मोनेटाइजेशन पॉलिसीज हैं उनको एक बार अच्छी तरह से ध्यान से सभी की सभी पॉलिसीज को आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है, उन्हें समझ लेना है, और उसके बाद आप अपने YouTube चैनल पर जो भी कंटेंट अपलोड करना चाहते हैं आपको उसके अकॉर्डिंग ही अपने YouTube चैनल पर कंटेंट को बनाना होगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपने YouTube चैनल पर कंटेंट को अपलोड करना होगा, तभी उस कंटेंट को आप आगे चल के मोनेटाइज कर पाएंगे, अदरवाइज आपको यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों यहाँ पर जो सेकंड एलिजिबिलिटी है वो ये है कि अगर आप अपने YouTube चैनल को मोनेटाइज करवाना चाहते हैं तो आपको किसी एक ऐसी कंट्री से होना चाहिए जिस कंट्री में YouTube पार्टनर प्रोग्राम जो है वो अवेलेबल हो। अब इस चीज़ को आप YouTube की हेल्प डेस्क में जाकर वहाँ पर से भी क्लियरली जान सकते हैं कि कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पर YouTube पार्टनर प्रोग्राम अवेलेबल है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि यदि आप इंडिया से ये वीडियो देख रहे हैं तो फिर आप यहाँ पर बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि इंडिया में YouTube पार्टनर प्रोग्राम अवेलेबल है, और अगर आप एक इंडियन है तो आप आराम से अपना YouTube चैनल बना सकते हैं और उसे मोनेटाइज कर सकते हैं। यहां पर दोस्तों जो थर्ड पॉलिसी है, जो कि हाल ही में कुछ दिन पहले YouTube का एक नया अपडेट भी था, जो है कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक को लेकर। यदि आप अपने YouTube चैनल को यहां पर मोनेटाइज करवाना चाहते हैं तो आपको कम्युनिटी गाइडलाइन को अच्छी तरह से पढ़ लेना है और उन्हें दिमाग में बिठा लेना है। आपके YouTube चैनल पर किसी भी तरह की कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन नहीं होना चाहिए, तभी आप अपने YouTube चैनल के मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अदरवाइज आपके YouTube चैनल पर किसी भी तरह की कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन आ जाती है, जब तक वो कम्युनिटी गाइडलाइन आपके YouTube चैनल पर एक्टिव रहेगी आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ना ही आप अपने YouTube चैनल को मोनेटाइज करवा पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो फोर्थ एलिजिबिलिटी है वो ये है कि आपके YouTube चैनल पर पिछले 12 महीनों में 4000 घंटों का वॉच टाइम होना चाहिए, और ये पूरी तरह से पब्लिक वॉच आवर होना चाहिए। यानी आपके YouTube चैनल पर जो भी वीडियोस होंगी, सबसे पहली बात तो उनकी जो विजिबिलिटी है वो पब्लिक होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों जो यहाँ पर हमारी फिफ्थ एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पर 1000 सब्सक्राइबर की है, जो कि ऑब्वियस सी बात है आपके YouTube चैनल पर कंप्लीट होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम दोस्तों बात करें अपने लास्ट एलिजिबिलिटी की, तो वो है एक एडसेंस अकाउंट की। अगर आप अपने YouTube चैनल को मोनेटाइज करवाना चाहते हैं, जब भी आप अपने YouTube चैनल पर थ्रेशोल्ड कंप्लीट कर लें, कंप्लीट करने के कुछ टाइम पहले ही आपको एक एडसेंस अकाउंट बना लेना है और उस एडसेंस अकाउंट को अपने YouTube चैनल के साथ लिंक कर लेना है। इसके बाद जैसे ही आपका YouTube चैनल का मोनेटाइजेशन इनेबल हो जाएगा, जो आपकी रेवेन्यू है वो आपके एडसेंस के थ्रू आपके बैंक अकाउंट में आनी स्टार्ट हो जाएगी। सो वीडियो कैसा लगा आपको मुझे जरूर बताएं, अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक भी गुड बाय, टेक केयर।